हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी से 100 मार्क्स का पेपर, जो कि लेक्चरर के लिए, पीजीटी, टीईटी, केवीएस के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप स्पंजों की जंतु प्रकृति प्रदर्शित होती है, यानी एनिमल नेचर ऑफ स्पंज इज शो बाय। तो यहाँ पर दिया गया है जंतु समभोजी पोषण यानी होलिजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा, सेलुलोज की अनुपस्थिति के द्वारा, पच्छावी लार्वा यानी सिलिएटेड लार्वा की उपस्थिति के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कीट वर्ग से संबंधित है, यानी यहाँ पे देखें विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग द क्लास इंसेक्ट। तो यहाँ पे देखे है जूलस, रजत मीन यानी सिल्वर फिश, ब्लास्टर या झींगा यानी फ्रॉन मस्ट जो फिश होती है ये। तो देखिए दोस्तों, जो कीट वर्ग में सम्मिलित है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पर सिल्वर जो फिश है, ये किससे संबंधित है? तो ये है इंसेक्ट क्लास इंसेक्ट से संबंधित है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सिल्वर फिश है ये क्लास इंसेक्टा में आता है। वहीं अगर हम झींगा की बात करें यानी जो प्रॉन है, और जो केकड़े होते हैं, ये किस में आते हैं? तो ये क्रस्टेशिया क्लास में आते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेडिवल्स अनुपस्थित होते हैं, तो जो मेडिवल्स होते हैं वो किस में अनुपस्थित होते हैं? तो सबसे पहले आपको मेडिवल्स पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो मेडिवल्स होते हैं ये किस में अनुपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं घरेलू मक्खी में। देखिए मेडिवल्स जो होता है, आपने देखा होगा, एक चोंच की तरह रहती है इन जंतु, जैसे मच्छर हो गया जिससे ये खून को चूसता है, तो एक चोंच की तरह आगे से नुकीला रहता है, इसी को मेडिवल्स कहा जाता है, इस प्रकार से रहता है। तो ये जो होता है ये घरेलू मक्खी में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हीमोसील पाई जाती है, तो हीमोसील किस में पाई जाती है? यहाँ पे देखा हीमोसील इज फाउंड इज, तो जो हीमोसील है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो वो पाई जाती है यहाँ पर पेरीप्लेनेटा तथा पाइला में। ठीक है, किस में पाई जाती है? पेरीप्लेनेटा और पाइला में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे संकुचनशील धानी उपस्थित होती है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रेजेंट इज प्रेजेंट इन, तो ये किस में प्रेजेंट होती है? तो जो संकुचनशील धानी जो होती है, यहाँ पे देखिए पैरामीशियम में, युगलीना में, अमीबा में, और इनमें से सभी, तो ये किस में? इन सभी में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे डाइसिप्ट खोपड़ी किस में पाई जाती है, यानी यहाँ पे देखा डाइसिप्ट स्कल्स इज फाउंड इन द फॉलोइंग, तो ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्पिनोडॉन, मगरमच्छ और वाइपर में। किस में? स्पिनोडॉन, क्रोकोडाइल और वाइपर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन युक्त गर्भ निरोधक गोलियाँ किस प्रक्रिया को अवरुद्ध करके गर्भावस्था को रोक देती हैं? तो किसको रोक देती हैं? तो ये रोक देती हैं यहाँ पर अंड का निर्माण को। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, तो ये किसे रोकती हैं? ओवा फॉर्मेशन को रोक देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मधुमक्खी में डंक किसका रूपांतरित रूप है? स्टिंग एफरेटस इन हनी बी इज अ मॉडिफाइड फॉर्म, तो किसका होता है? तो जो मधुमक्खी में जो डंक होता है वो किसका रूपांतरित होता है, किसका मॉडिफाइड होता है? तो ये होता है ओविपो जीटर का होता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सीमित नहीं है? तो यहाँ पे ताप क्षेत्र दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, 20 से 40 अक्षांश, और यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे जो पहला वाला ही दिया गया है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शब्द पारिस्थितिकी यानी टर्म इकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? तो ये दिया था रिटर ने। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है, किस विधि के द्वारा जीन के नए एलील्स उत्पन्न होते हैं, यानी यहाँ पे देखा गया था प्रोसेस बाय विच न्यू एलील्स ऑफ अ जीन्स इज प्रोड्यूस इन टर्म, तो यहाँ पे दिया गया है उत्परिवर्तन, जीन मैन्युएशन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, जो जीन्स, जो नए एलील्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? तो वो होते हैं यहाँ पर
म्यूटेशन के द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपने बायो की क्लास ली होगी तो जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के द्वारा एक अचानक से, म्यूटेशन का मतलब ही यही होता है कि अचानक से कोई परिवर्तन आना, और जब ये परिवर्तन आता है तो इससे कोई नई जीव या नए जो जीन्स होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस तरह का उत्परिवर्तन जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे को प्रस्थापित करता है कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसे कहते हैं हम बिंदु उत्परिवर्तन, यानी पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्रोजेल से नाइट्रो सेलुलोज का नायलोन भित्ति पर डीएनए बैंड्स के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ डीएनए बैंड्स फॉर अ एग्रोजेल टू अ नाइट्रो न्यूक्लियस और नायलोन मेम्ब्रेन इन रिफर्ड टू एज, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साउथर्न ट्रांसफर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, सामान्य नियम के अनुसार इन ब्रीडिंग किसके किस में संभव है? तो एज द जनरल रूल्स इन ब्रीडिंग इन पॉसिबल बिटवीन, तो ये किस में होती है? तो ये जो होते हैं ये एक स्पीसीज का कोई दो सदस्य होता है इसमें होती है, एनी टू मेंबर ऑफ अ स्पीसीज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन किसी क्षेत्र की जैव विविधता को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे देखिए, जीन, स्पीसीज, पारिस्थितिकी तंत्र या सभी। तो देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बायोडाइवर्सिटी एंड एरिया, तो कौन करता है प्रेजेंट? तो ये करता है यहाँ पर स्पीसीज, जो स्पीसीज है ये किसी बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों की पतली सतह के रूप में पोषक माध्यम पर उगाने की विधि कहलाती है? द मेथड ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ थिन लेयर ऑन न्यूट्रिशन मीडियम इज नॉन एज, तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यहाँ पर आधारीय वृद्धि तंत्र। क्या कहा जाता है? आधारीय वृद्धि तंत्र, यानी यहाँ पे कह सकते हैं सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? तो हार्डी वीनबर्ग का जो सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? तो वो करता है आनुवंशिकी संतुलन का, किसका? जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बीज आश्रित बीज है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सीड बॉर्न डिजीज, मतलब जिसको क्या कहते हैं बॉर्न डिजीज। आपने देखी होगी जो सीडलिंग के समय ही अगर कोई डिजीज लग जाती है, यानी जब पेड़ पौधे उगते हैं और जब वो छोटी अवस्था में रहता है उस समय अगर कोई बीमारी लग जाती है तो उसे कहते हैं हम बॉर्न डिजीज, मतलब उगने के समय ही बीमारी लगना। तो वो किस में होती है? तो यहाँ पे दिया गया है चावल का बैक्टीरिया ब्लाइट, पैडी का खरिया, ब्रेसिका का विप टेल या उपरोक्त सभी। तो किस में होता है? तो ये होता है, ये किस में होता है? तो ये होता है चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट में, किस में? चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, म्यूकर स्पर्स में संयुग्मन प्राय होता है? तो इन म्यूकर स्पीसीज यूजली आइसोगेमी टेक बिटवीन, तो ये किस में होता है? ये होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है, प्लस तथा माइनस विभेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया किस ताप पर होती है? तो जो पाश्चुराइजेशन जो होता है ये किस टेम्परेचर पर होता है? तो ये होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। और देखिए दोस्तों, आजकल जो पाश्चुराइजेशन किया जाता है ये किस पे किया जाता है? तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पर केवल 15 सेकंड के लिए भी किया जाता है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये भी दिखाई दे कि 72 डिग्री सेल्सियस और 15 सेकंड, तो वो भी आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, ब्रायोफाइटा के मादा गैमेटेंजिया कवक में मादा गैमेटेंजिया के भिन्न है लक्षणों से, किस लक्षण में है? तो अ फीमेल गैमेटेंजिया ऑफ ब्रायोफाइटा डिफरेंट फ्रॉम दैट फंगल इन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो किसके लिए अलग होते हैं? तो क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसमें जैकेट लेयर पाई जाती है विथ स्टाइल सेल्स में, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द्विपार समिति और नीडोब्लास्ट का अभाव इनमें से किसकी विशेषता है? तो यहाँ पे देखिए, बाय रेडिकल सिमेट्री एंड लेक ऑफ सिनिडोब्लास्ट आर द करेक्टर्स ऑफ, तो किसके करेक्टर हैं? तो ये किसके करेक्टर हैं? तो ये हैं स्टेनोफोरा एंड बेरोरा। ठीक है, सॉरी टीनोफोरा एंड बोरेओ। ठीक है, बोरेया या बोरेया बोल सकते हैं। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पे साउथर्न ब्लॉट तकनीकी का प्रथम चरण क्या है, तो साउथर्न जो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ साउथर्न ब्लॉट टेक्निक, तो इसका प्रथम चरण क्या है, तो इसका प्रथम चरण जो होता है वो है यहाँ पर कि आपराधिक मामलों में न्यूक्लियोटाइड कोशिका में डीएनए का पृथक्करण। देखिए जब क्या कहते हैं कोई अगर ऐसा क्राइम होता है तब उसमें इसको अलग कहता है। देखो यहाँ पे दिखा गया है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए फॉर न्यूक्लियोटाइड सेल्स सच एज वन फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों के लिए त्रिसोमी यानी ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है, तो अ पर्सन हु इज अ ट्राइसोमिक फॉर 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इच, तो क्या होता है अगर देखिए गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी आ जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, तो उससे होता है डाउन सिंड्रोम, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वह वंशानुगत रोग जो जो कि कभी भी पिता से पुत्र में नहीं पहुँचता, तो कौन सा है, तो पिता से जो पुत्र में नहीं पहुँचता है वो है यहाँ पर एक्स क्रोमोजोमल सहलग्न, ठीक है, यानी एक्स क्रोमोजोमल लिंक डिजीज, तो ये कभी भी पिता से पुत्र में नहीं पहुंचता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अधिकांश नियत तापी कशेरुकियों में वृद्धि होती है, तो नियत होती है अनियत होती है, यानी ग्रोथ इन द मोस्ट वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स इन, तो ये किस में होता है, तो ये होता है यहाँ पर डिटरमाइनेट, ठीक है, नियत होती है डिटरमाइनेट, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुपर बग का आविष्कार किसने किया था, हु डिस्कवर्ड सुपर बग, तो सुपर बग का जो आविष्कार किया था ये किया था आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेचक के टीकाकरण का अर्थ है हमारे शरीर में किसका प्रवेश, तो किसका प्रवेश, तो ये है दुर्बल किए हुए चेचक वायरस का, किसका, एक्चुअल वीकेंड जम और एटेन्यूएटेड स्मॉल पॉक्स वायरस, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोकेन किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है, तो कोकेन किस में करता है, तो ये करता है डोपामीन में, किस में करता है, डोपामीन में, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में किस जीवाणु में विटामिन B2 का उत्पादन 20,000 गुना बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे दिया गया है बाय द यूजेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन विच बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ विटामिन टू हैज बीन इंक्रीज्ड टू अबाउट 20,000 टाइम्स, तो किस में क्या सकता है, तो ये क्या सकता है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एसबिया गोस्पी में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी में प्रयोग किया जाने वाला ग्राफ्ट कौन सा है, तो कौन सा ग्राफ्ट है, विच टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट यूज्ड इन प्लास्टिक सर्जरी, तो कौन सा ग्राफ्ट है, तो वो होता है ऑटो ग्राफ्ट, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अल्कोहल ईंधन का अग्रक उत्पादक देश है, तो अल्कोहल ईंधन का अग्रक उत्पादक देश कौन सा, तो वह है ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील में जो शुगर होती है, मतलब यानी शुगर कैन का जो प्लांट है, यानी जो गन्ने का प्लांट है सबसे ज़्यादा होती है, और आपको पता होना चाहिए गन्ना जो है इससे इसका इसको इससे बायोडीजल वगैरह निकाला जाता है और अल्कोहल भी निकाला जाता है, तो इसलिए ये सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महिलाओं के लिए एक नया ओरल गर्भ निरोधक सहेली वैज्ञानिक ने किस संस्थान पर विकसित किया, तो ये किस स्थान पर विकसित किया था, तो ये किया था CDIR जो कि लखनऊ में यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मनुष्य में प्रतिक्षरण में मुख्यतः संबंधित है, विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज मेनली कंसर्न विथ इम्यूनिटी इन मैन, तो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर थर्ड, ठीक है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया, थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से कौन से पौधे फसलों एवं रेतीली मृदा में हरी खाद यानी ग्रीन मैन्यूर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्यूर इन क्रॉप फील्ड एंड सेडी सॉयल, तो कौन सा किया जाता है, तो वो किया जाता है यहाँ पर क्रोटिलेरिया जेंसिया एंड एल हैगी कैमिरोलम, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस जंगली वृद्धि के नियंत्रण को कोचिनियल कीट का प्रयोग किया जाता है, कोचिनियल इंसेक्ट हैज बीन यूज्ड इन चेकिंग द वाइल्ड ग्रोथ ऑफ, तो किसकी ग्रोथ में किया जाता है, तो ये किया जाता है नागफनी के, किसके, नागफनी के, ठीक है,
तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दो दो से अधिक जीनोम या गुणसूत्रों के सेट की उपस्थिति कहलाती है। तो यहाँ पे देखा, द कंडीशन इन विच देयर आर मोर देन टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोमल इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था। तो तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम कहाँ पे आरंभ हुआ, तो ये हुआ था अमेरिका में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंटी हिस्टोमिनो तथा स्टेरॉयडों के उपयोग में किस समस्या में शीघ्र आराम पहुँचता है। तो यहाँ पे देखा, यूज ऑफ एंटी हिस्टोमाइन एंड स्टेरॉयड गिव अ क्विक रिलीफ फॉर्म, तो किस में देता है ये आराम, तो ये देता है खांसी में, किस में, खांसी में, कफ में, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतवर्ष में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता निम्नलिखित में से किस एक में होती है। तो यहाँ पे देखा, आम, मूँगफली, चावल, मक्का, तो किस में होती है, तो सॉरी फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे खांसी नहीं होगा, यहाँ पे एलर्जी होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी आप लोगों के लिए। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो सही होगा, जो एंटी हिस्टोमिना होता है ये किसके लिए वैसे होता है, तो इससे एलर्जी में आराम मिलता है, ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता निम्नलिखित में से किस एक में होती है, तो किस में होती है, तो ये होती है चावल में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, वन्य जीव व राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा सही है, तो वो है यहाँ पर पहला रन ऑफ कच्छ, यहाँ पे क्या होता है, जंगली गधा, तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया का कारण है, ठीक है, डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाई, तो डिप्थीरिया का कारण क्या है, तो यह है पहला कि जीवित जीवाणु द्वारा होस्ट ऊतक के विषैले पदार्थ स्रावित करना, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पॉइजनस रिलीज्ड बाय लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इनटू द होस्ट टिश्यू, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास से संबंधित है, तो मलेरिया का जो परजीवी प्लाज्मोडियम है वो किस क्लास में आता है, तो ये आता है स्पोरोजोआ में, किस में, स्पोरोजोआ में, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया, स्पोरोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, होलोब्लास्टिक विदलन निम्न में से किस प्रकार के अंडों में हो सकती है, यहाँ पे दिया गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज में ऑकर इन एग विच आर, तो किस प्रकार की हो सकती है, तो ये हो सकती है ओलिगोलेसेथिल एंड मिसोलेथिल, दोनों में, ठीक है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, फेरिटीमा की रुधिर ग्रंथिका भाग लेती हैं, तो फेरिटीमा की रुधिर ग्रंथिका किसे भाग लेती हैं, तो ये लेती हैं यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में, ठीक है, किस में, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पल्स में, तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, वह शाखा जिसमें कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नॉन एज, तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसे साइटोलॉजी, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच प्रभावी परिवहन मार्ग का कार्य करती हैं, तो कौन सा है, तो वो है प्लाज्मोडेस्माटा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो यहाँ पे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, यानी किसकी, किससे बनी होती है मेनली, तो वो बनी होती है यहाँ पर फॉस्फोलिपिड की, जो एक प्रोटीन द्विपरक के अंत स्थापित होते हैं, यानी फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाई लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पहले व दूसरे को सुसमित करके सही विकल्प का चयन कीजिए, तो पहले और दूसरे का यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले का जो होगा कॉकरोच, वो किस में आता है, तो इसमें होता है मैपलियन नलिकाएँ होती हैं, ठीक है, क्रेसिकल्स जो होता है इसमें, ये किडनी में, केचुआ जो है वो, केचुआ जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो होगा नेफ्रिडिया, और बेलेनिग्लोसिस जो है
वो होगा यहाँ पर ब्रोसिस ग्लैंड यानी ग्रंथि, और चपटे कृमि जो होते हैं ज्वाली कोशिका है। तो इस प्रकार फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जीव द्रव्य नाम किसने दिया? द नेम प्रोटोप्लाज्म वर्ल्ड वाइड गिवन। तो जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो किसने दिया था, ये किया था पुरकिंजे ने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पुनर्दुभवन के प्रकार में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है, यानी विच ऑफ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ द टाइप्स ऑफ रीजनरेशन आउट ऑफ द टू मेजर टाइप। तो कौन सा यहाँ पे सही है, तो वो होगा यहाँ पर पहला मॉर्फोलैक्सिस। हाइड्रा के अनुप्रस्थ रूप से काटे गए दो समान भागों का दो छोटे हाइड्रा के रूप में पुनर्दुभवन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्फोलिक्स यहाँ पे जो दिया गया पहला ये सही दिया गया है। रीजनरेशन ऑफ टू ट्रांसर्वली कट द इक्वल पीस ऑफ वन हाइड्रा इनटू वन स्मॉल हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पेशी संकुचन हेतु उत्तरदायी रासायनिक आयन है। तो पेशी संकुचन यानी केमिकल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कंट्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो है सेकंड ऑप्शन सही दिया गया, एन ए पॉजिटिव प्लस के पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडारों शुक्राणु को निम्नलिखित में से किस भाग पर ग्रहण किया जाता है? तो ओवम रिसीव द स्पर्म इन द रीजन ऑफ, तो किस में किया जाता है, तो ये किया जाता है सक्रिय ध्रुव में एनिमल फोल पर। नेक्स्ट है पे मोचक हार्मोन्स रिलीज हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो मोचक जो हार्मोन्स हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो वो होते हैं हाइपोथैलेमस द्वारा। नेक्स्ट है पे गैस्टुला भवन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है कि यह प्रक्रिया जिसमें, तो यहाँ पे दिया गया द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैस्टुलेशन इज दैट इज द प्रोसेस वेयर द, तो किसमें होती है, तो ये है यहाँ पर फोर्थ यहाँ पे सही देगा, कोशिकाएँ अपनी निश्चित स्थिति प्राप्त करने हेतु गति करती हैं। ठीक है, तो सेल्स मूव द ऑक्यूपाई देयर डेफिनेट पोजिशन, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वोकमेंस कैनाल जोड़ती है। तो वोकमेंस कैनाल जो होती है वो किसको जोड़ती है, तो वो जोड़ती है हेवर्सियन कैनाल को हेवर्सियन कैनाल से। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे निम्न में से कौन उद्विकास की दृष्टि से सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है, तो वो है यहाँ पे अमीबा, फिर ल्यूको सोलेनिया, फिर हाइड्रा, फिर एस्केस। ठीक है, उद्विकास का मतलब होता है यहाँ पे देख लीजिए विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मधुमक्खी में आपसी सूचना संचरण की विधि की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कौन से हैं, तो वो है यहाँ पे वॉन फ्रिस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर भी नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेथड इंटरपर्सन कम्युनिकेशन इन हनी बी इज। तो वो कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है वॉन फ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे माता की रतन ग्रंथियों में शिशु जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला दुग्ध कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे द फर्स्ट मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम मदर्स मेमोरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोलोस्ट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे कोलोस्ट्रियम जो दिया गया वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन प्रोटीन प्रकृति का होता है, तो कौन सा प्रोटीन प्रकृति का होता है, तो वो होता है रेशम तथा ऊन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट है पे ब्लास्टुला की ब्लास्टोसील गुहा में किस प्रकार का द्रव भरा होता है, तो किस प्रकार का द्रव भरा होता है, तो ये भरा होता है एब्लुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किस में लिंग गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इज नॉर्मल इन, तो किस में होती है, तो वो होती है यहाँ पे डाउन लक्षण में, किस में, डाउन लक्षण में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट, यहाँ पे जीनोटाइप में विभिन्नता वाले जीवों के बीच मेटिंग होने से उत्पन्न आनुवंशिकता विभिन्नता को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से प्रायः आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग होता है।
तो विच ऑफ दीज वाइडली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा यूज होता है इनमें से, तो वो होता है यहाँ पर फ्रूट फ्लाई, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मादा खरगोश में अंडोस उत्सर्ग के पश्चात फटे हुए पोटक से संरचना होती है, तो क्या होती है, तो वो होती है यहाँ पर, पहला सही देगा कार्पस लेटिन लेटियम, ठीक है कार्पस ल्यूटियम सही दिया गया। नेक्स्ट है पे एलोमेट्रिक वृद्धि है, तो एलोमेट्रिक जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, तो वो होती है शरीर के विभिन्न भागों में वृद्धि दर में अंतर, ठीक है डिफरेंस इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो होता है अर्धसंरक्षी, यानी जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बीएचसी पहली बार 1825 में किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था, तो जो बीएचसी है वाज फर्स्ट सिंथेसाइज इन 1825 बाई, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था माइकल फेराडे, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न कौन सा अंग प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के निष्कर्षण में भाग नहीं लेता है, तो कौन सा है जो भाग नहीं लेता, वह है मस्तिष्क, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित की जाती है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस इंक्लूड, तो किसको किया जाता है, तो यहाँ पे स्कूल एंड हेल्थ एजुकेशन को किया जाता है, हाइजेनिक इन्वायरमेंट को किया जाता है, और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इन सभी को किया जाता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव सही दिया गया है, उपरोक्त सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आनुवंशिकी अभियांत्रिकी जीवाणु का उपयोग किसके उत्पादन में के लिए करते हैं, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया आर बीइंग एम्प्लॉयड प्रोडक्शन ऑफ, तो किसके प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो ये करते हैं ह्यूमन इंसुलिन के, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है मानव इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शरीर में प्रोटोनों का सर्वाधिक विस्तृत स्रोत है, द मोस्ट एबंडेंट सोर्स ऑफ प्रोटोन्स इन द बॉडी आर, तो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सौर ऊर्जा के संरक्षण के लिए आर्थिक रूप से अनुकूल है, तो आर्थिक रूप से अनुकूल कौन सा है, तो वो है यहाँ पे गन्ने का रोपण और ऊर्जा प्लांटेशन, तो यहाँ पे सभी दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हार्डी तथा विनबर्ग नियम व्याख्या करता है, तो हार्डी एंड विनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन, तो किसको करता है, तो ये करता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, ये भी पीछे भी आया था क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया आनुवंशिकी साम्यावस्था को। नेक्स्ट है पे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीवाणुओं में मानव प्रोटीन का निर्माण संभव हुआ है, हुआ क्योंकि, तो क्योंकि जेनेटिक कोड सार्वभौमिक है, क्योंकि जेनेटिक कोड जब क्या होता है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के दौरान पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस इन द प्लांट, एक तो किसके द्वारा होता है मियोसिस इन प्लांट और देयर द चेंज फॉर्म, तो ये होता है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट के द्वारा, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद। नेक्स्ट यहाँ पे मिडल लैमिला उपस्थित होता है, तो मिडल लैमिला का किस में उपस्थित होता है, तो ये होता है प्राथमिक भित्ति के बाहर होता है, किसके प्राथमिक भित्ति के बाहर, आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे वार्षिक वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता लगाना कहलाता है, तो देखिए दोस्तों द एज ऑफ द एज ऑफ द ट्री बाई काउंटिंग एनुअल रिंग इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान निर्मित प्रथम उत्पाद है, तो इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज, तो डार्क रिएक्शन में कौन सी यहाँ पे होती है, तो वो होता है यहाँ पे PGA, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर रुच तथा चिकनी अंतःद्रव्य जालिकाओं में यह अंतर होता है कि रुच अंतःद्रव्य जालिका, तो यहाँ पे देखा द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसका क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, कंटेन राइबोसोम्स, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है, ठीक है, पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे साइटोस्केलेटन, ठीक है, इसको कोशिका कंकाल किसका बना होता है, तो जो साइटोस्केलेटन इज मेड अप, तो जो साइटोस्केलेटन होता है ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन तंतुओं का बना होता है, किसका बना होता है, प्रोटीन फिलामेंट्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक समूह में पौधे उसके स्वभाव एवं जहाँ वह पाया जाता है उस वन प्रारूप में सही मिलाया गया है, तो वहाँ पे कौन सा सही दिया गया है यहाँ पर से, तो इनमें जो पहला दिया गया है प्रोसोपिस वृक्ष कुंज स्कर्व, ठीक है, ये यहाँ पर सही दिया गया है, प्रोसोपिस ट्रीज एंड स्कर्व। नेक्स्ट स्टेप नीचे दिए गए चक्र का अध्ययन करके यहाँ पे दिया गया है एक और ए बी सी डी दिया गया है, इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो यहाँ पे दिया गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन दिया गया है, और दर दिया गया है जैविक यौगीकरण औद्योगिकरण और विद्युत औद्योगिकरण, तो यहाँ पर पूछा गया है इस प्रकार से, इसमें से पूछा गया कौन सा विकल्प इसमें सही है, तो आप इसमें दे सकते हैं, तो इसका जो सही है वो है यहाँ पर सेकंड वाला सही दिया गया, वी नाइट्रीकरण फिर अमोनीकरण फिर प्लांट में फिर उसके बाद जंतु लेते हैं इसे। नेक्स्ट क्या यहाँ पर है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है, तो मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ, तो किसके डिवीजन से बनता है, तो ये बनता है जनरेटिव सेल्स के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जनन कोशिका के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हैप्लॉइड्स को प्राप्त करते हैं अणु क्या है, अगुणितों को प्राप्त किया जाता है, तो हैप्लॉइड कैन बी ऑब्टेन फॉर्म, तो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या आता है, पॉलन ग्रेन के द्वारा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है, पराग्रहण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर लगभग 100 रोग तथा नाशक जीव सूचित किए गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 100 डिजीज एंड फैट्स रिपोर्टेड ऑन, तो किस पर रिपोर्ट किए गए हैं, तो ये किए गए वीट पर, किस पर, गेहूं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मोती में कितना पानी होता है, तो मोती में देखिए दोस्तों कितना पानी होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह 2-4%, ठीक है, पीएस कंटेंट हाउ मच वाटर, तो 2-4%। नेक्स्ट यहाँ पे, हेटरोस्पोरी तथा सीड हैबिट अक्सर उन पौधों में पाई जाती है जिनमें होता है, तो जिनमें क्या होता है, तो जिनमें लेग्यूल होता है, ठीक है, जिनमें लेग्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टेरेंसिस सोपान निर्माण मृदा संरक्षण की अत्यंत प्रभावी विधि है, तो किस में है ये प्रभावी विधि, तो यह है पहाड़ियों पर, ठीक है, यहाँ पे देखा ट्रेसिंग इज द इफेक्टिव मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन इन, तो ये कहाँ पर, हिल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 100 पराकरण उत्पन्न करने के लिए कितने म्यूटिक डिवीजन के आवश्यक होंगे, तो कितने होंगे, तो ये होंगे 25, ठीक है। हाउ मैनी म्यूटिक डिवीजन आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स, तो कितने होते हैं, 25। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट LDP, तो LDP कौन सा यहाँ पे प्लांट है, तो वो है यहाँ पे वीट, ठीक है, तो LDP कौन सा प्लांट है, तो वो है गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अक्षांश पर आपतन यानी आइसोलेशन के कारण उष्मा की वृद्धि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण उष्मा की कमी के बराबर होती है, तो किस में होती है, तो ये होती है 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण में। टमाटर तथा नींबू में बीजाणु नाश कैसा होता है, तो प्लेसेंटेशन इन टमाटो एंड लेमन इन इज, तो कैसा होता है, तो ये होता है एग्जाइल, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आधार लगने यानी बेसी फिक्स्ड एक पाली यानी मोनिथिकल पराकोषों में 2 माइक्रोस्पोरंजिया युक्त पराकोष किसकी विशेषता है, ठीक है, तो किसकी विशेषता है, तो यह है यहाँ पर सेकंड मालवेसी कॉटन की। नेक्स्ट है पे, लाइसोसोम की खोज किसने की, तो लाइसोसोम्स की जो खोज की थी ये की थी डी डुवे ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियों की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि, तो देखिए दोस्तों लाइसोसोम्स आर नॉन एज सुसाइड वैग बिकॉज, तो क्यों दी जाती है, तो इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं और ये इसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे C3 चक्र में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरीकरण के लिए अपचयन तथा पुनरुद्वान पद के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो वो होता है 3 ATP NADPH। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा वायरस के से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि यह संवेदनशील है। तो ये किसके प्रति संवेदनशील है, तो ये होता है टेट्रा साइक्लिन के। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे संवहन पुलों में जलयुक्त गुहिकाएँ पाई जाती हैं, यानी वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो ये कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मेज में, ठीक है, यानी मक्के में। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब भक्षक यानी प्रेडेटर का उपयोग अन्य पेस्ट पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कन्फ्यूजन टेक्निक। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, तो सॉरी इसको क्या, तो इसे क्या कहते हैं, इसको जैव नियंत्रण कहता है। सॉरी यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया, यानी यहाँ पे देखा था फिनोमिना ऑफ यूजिंग द पेरेडक्टर इज कंट्रोलिंग द पर्सन, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने लेक्चर आर TGT PGT KVS के लिए यहाँ पे बायोलॉजी से 100 मार्क्स का पेपर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।